इंटरनेशनल गीता जयंती महोत्सव में 18 दिनों में जहां लाखों पर्यटक क्षेत्र ब्रह्म सरोवर पर जुटेंगे, वहीं देश दुनिया को इस महोत्सव के साथ जोड़ा जाएगा। 18 दिन माहौल गीतामय रहेगा। पवित्र ग्रंथ गीता के संदेश को जन जन तक पहुंचाना इस महोत्सव का मकसद है। बाकायदा देश दुनिया का ऑनलाइन गीता पर ज्ञान दीप रखा जाएगा। गीता इंसाइक्लोपीडिया चुने जाएंगे। चुने गए प्रतिभागियों को नगद कैश वे सर्टिफिकेट मिलेगा। एनआईसी अधिकारी विनोद सिंगला ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2021 को लेकर प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया जाएगा। इस प्रतियोगिता के लिए 48 कोच कुरुक्षेत्र इंटरनेशनल गीता महोत्सव वे कुरुक्षेत्र gov.in पर लिंक डाला जाएगा। महोत्सव में इस वर्ष ऑनलाइन प्रतियोगिताएं होंगी। पिछले साल करीब 5000 लोगों ने प्रतियोगिताओं में भाग लिया था। इन लोगों ने वेबसाइट पर करीब 5,00,000 हिट्स किए थे। रोजाना पवित्र ग्रंथ गीता और आजादी का अमृत महोत्सव से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा की रिपोर्ट। हमारे पूरे प्रशासन के द्वारा, KDP के द्वारा, हरियाणा सरकार के प्रयासों से, NIC के द्वारा एक भी आपकी गीता प्रश्नमाला के नाम से एक क्विज प्रश्नमाला आयोजित की जा रही है, जो कि 21 तारीख से लेकर 8 तारीख तक प्रायोजित होगी। और इसमें दुनिया भर के, देश विदेश के भी लोग इसमें भाग लेंगे। इसमें दो कैटेगरी रहेंगी, एक पब्लिक की कैटेगरी होगी, एक स्टूडेंट्स की कैटेगरी होगी। ये क्विज 21 तारीख से लेकर 8 तारीख तक चलेगा। डेली 10 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले सभी को इसके लिए रजिस्ट्रेशन चल रहा है। आज 5 दिन हो गए रजिस्ट्रेशन को चलते हुए। 27,000 से ज़्यादा लोग इसमें अभी तक रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। और इसके सबसे जो बेहतरीन, जो इतनी सक्सेसफुल है कि मोटिवेटर्स वाला जो कंसेप्ट है, उसकी वजह से स्कूलों के अंदर टीचर्स सभी अपने अपने प्रयासों से इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसके अंदर बहुत सारे ढेरों इनाम और सर्टिफिकेट्स, इसमें इंसाइक्लोपीडिया ऑफ गीता के नाम से एक रहेगा जो टॉप 25 होंगे। और डेली 5 अवार्ड पब्लिक कैटेगरी में और 5 अवार्ड स्टूडेंट्स वाली कैटेगरी में रहेंगे। तो उनको 500-500 रुपये के सेट इनाम मिलेंगे। और 18 दिन के बाद पब्लिक वाली कैटेगरी में भी और स्टूडेंट्स वाली कैटेगरी में भी 25-25 लोगों को 1,000-1,000 रुपये के इनाम मिलेंगे। और जो टॉप 100 वाले जो होंगे, जिनकी भी 90% से ज़्यादा ठीक या टॉप 100 होंगे, उनको सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन मिलेगा। और जितने भी प्रतिभागी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, उनको सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन दिया।